क्या मस्त चुना लगा है, और दीवार पे महिलाओं की पेंटिंग भी मस्त है। कल के बेटे को क्यों धोया है? ये बात मैं भूचाल को बताऊंगा, उनके चमचों को ने क्या बात करता है। ए, मैं भूचाल हूँ। हुजूर, गुस्ताखी माफ। भूचाल नाम सुनकर लगा आप 7-8 फीट के होंगे। आपका साइज तो इतना सा है, पर सबको हिलाते अच्छा हो। हाँ ठीक है, उसको मारा क्यों ये बता। नामचिन बनने के वास्ते। दुश्मनी के लिए मारता सुना है, पेमेंट के लिए भी मारता सुना है। नामचिन बनने के लिए कौन मारता है? दुश्मनी की खातिर मारना इमोशन है, पेमेंट की खातिर मारना प्रोफेशन है। तू अपना बता। एम्बिशन, मैं डॉन बनना चाहता हूँ। डॉन बनने के लिए तू किसी को भी ठोक देगा क्या? किसी को भी, तेरे को भी ठोक सकता हूँ। घोड़ों को अस्तबल में रखो। उसको मार के मुझे फोन क्यों किया? अब मुद्दे की बात की ना, जब ट्रेन से आ रहा था ना, तब मैंने सब गूगल कर लिया था। तेरे मुकाबले नरसिंह का दबदबा बहुत ज्यादा है। अगर मैंने अपना हाथ तेरे पे रख दिया ना, तो तेरा वजन भी बढ़ जाएगा। तुझे क्या लगता है, तेरे जैसे छपरे को भाई अपने साथ रखेंगे? ए, मेरे को पता है कि तू भूचाल का बनियान और जांगिया इस्त्री करता है। यार ये एक प्लेट तू कब से इस्तेमाल कर रहा है? ठोक दूंगा। बॉबी, नो नो, कंट्रोल कंट्रोल। तेरा दिमाग, तेरी स्टाइल, तेरा डेयरिंग, सब कुछ अच्छा है, लेकिन एक चीज में फेल है तू। वो क्या? तेरे को मेरे गैंग में शामिल करने के बजाय तुझे टपका डालना ही मेरे लिए फायदेमंद होगा। पता है क्यों? वो नरसिंह दुग्गल के सपोर्ट से ही उड़ रहा है, और तुझे ठोक के मैं दुग्गल का खास बन जाऊंगा। चल अभी हिलना मत। ए, दुग्गल को लगा तो। लगाता हूं भाई। नमस्ते दुग्गल जी। बताओ क्यों फोन किया? आपके ही फायदे के लिए फोन किया है दुग्गल साहब। माना कि आपका डिपार्टमेंट नर्सिंग संभाल रहा है, लेकिन मेरे जलवे क्या है वो सुनना चाहेंगे? आपके सुपुत्र को जिसने धोया वो मेरे सामने खड़ा है। मार दो उसे अभी। फोन पर मुझे उसकी चीखें सुनाओ, इसके बदले तुम्हें जो चाहिए मिलेगा। मर गया। मार दिया ना उसे पूरी तरह से। शाबाश भूचाल, आज के बाद से तुम भी मेरे लिए काम करोगे। क्या चाहिए तुम्हें बताओ? आपने कह दिया वही काफी है, और कुछ नहीं चाहिए। आपके आशीर्वाद ही मेरे लिए सब कुछ है। ये तो सिर्फ एक नमूना है। तो के पास हटाओ रे इसको। अरे इसे क्यों मारा? इतने दिनों से खाता मेरा था सेवा नर्सिंग की करता था, इसीलिए कम कर डाला। दुग्गल को ये जता दिया कि उसके बेटे को धोने वाले को ठोक डाला। अब तुम्हारे सपोर्ट से उस नर्सिंग की कबर खोद डालूंगा। मतलब इस बेरोजगार को रोजगार मिल गया? वो भी फिक्स में। आज से कुछ दिनों के लिए तुम डॉन चंदू नहीं हो, सिर्फ चंदर। मुझे मंजूर नहीं, आपकी गैंग में मत लो, लेकिन नाम मैं नहीं बदलने वाला हूँ। तेरे को पोस्ट चाहिए कि नाम चाहिए? दोनों चाहिए। दोनों? पोस्ट चाहिए तो कुछ दिनों के लिए, नाम कुर्बान करना पड़ेगा। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। ओके लाल बादशाह, ठीक है। वैसे भी नाम में क्या रखा है, एडजस्ट कर लेते हैं। चलेगा। ओके तो ऐश कर, जो चाहिए बोल देना। आपके गॉगल्स चाहिए। वो काहे को? क्योंकि उस पे डी लिखा है ना, डी मतलब डॉन। वो पाइप भी चाहिए। उस पे डी कहाँ लिखा है? मैं लिख लूंगा। चलो, चिलम के लिए कोयला भी खरीदना है, चलो। ये क्या भाई, आप उसे अच्छे से जानते भी नहीं और उसे गैंग में शामिल कर लिया। ए, तुम लोग के दिमाग में भूसा भरा हुआ है और मेरे दिमाग में सूखा मेवा। उसके धुएं में भी डॉन लिखा हुआ है, देख। अबे देखना। आज उस भूचाल ने मुझे मात दे ही दी। जो शिकार मैं करने वाला था वो उसके हाथ लग गया। ये अच्छी बात नहीं है, भूचाल को इसकी कीमत चुकानी ही पड़ेगी। जो हुआ भूल जाओ। मेरा पत्ता कट करके दुग्गल के साथ अपनी सेटिंग कर ली उसने। अच्छा गेम खेल गया भूचाल। दुग्गल साहब की नजरों में मुझे नीचा गिराकर खुद को ऊंचा कर लिया। भूचाल की इन हरकतों के पीछे किसका दिमाग है ये पता लगाना होगा। ये तुम्हारा पासपोर्ट और टिकट, कल जर्मनी के लिए निकलो। जर्मनी? आप महान है भाई, पहला काम विदेशी। वहाँ क्या करना है? चोरी करनी है, डाका डाला या मर्डर? मैंने सब कोर्स किए बॉस। इनमें से कुछ भी नहीं करना। तो फिर लव करना। लव? प्रेम तो मैं आपसे करता हूँ ना। मैं वैसा नहीं हूँ, नर्सिंग की बहन से करना है। वो जर्मनी में पढ़ती है, उसकी बहन उसकी जान है और वो खुद से ज्यादा उससे प्यार करता है।
अब तू क्या कर, उसकी बहन को पहले पटा, फिर उसके बाद उसको धोखा दे, और सदमे से वो नरसिंह खुद ही मर जाएगा। डॉन कैसे प्यार कर सकता है, मैं नहीं करूंगा। डॉन बनने के लिए कुछ भी करने को तैयार थे तो प्यार करने में क्या प्रॉब्लम है तुझे? मैंने बहुत से डॉन देखे जो गुलू गुलू करते हैं। डॉन फिरोदी का फोन करता है, प्यार नहीं। अबे क्या बात कर रहा है, डॉन का दिल नहीं है क्या? डॉन ने प्यार किया था, भले वो डुप्लीकेट था। ये ऊपर किसको देखता है? हाँ चला जाऊंगा, लेकिन एक और टिकट चाहिए। किसके लिए? डॉन कभी अकेला नहीं होता, वो दुकेला होता है। बॉबी इसकी सेटिंग करा देना, उस लड़की की इन्फॉर्मेशन इसके पास है, ये सब संभाल लेगा। ठीक है, आभार। चलो। ये क्या जीजा जी, इतने बड़े काम को अंजाम देने के लिए आपने इसको क्यों चुना? अबे बैल की दुम, कल टीवी पर नहीं देखा क्या? लड़कियां इसकी फैन है, तभी मेरी घंटी बजी। ऐसी सेटिंग की है ना, नर्सिंग डिप्रेशन के मारे खुदकुशी कर लेगा। ये लो बोर्डिंग पास, चलो। बहुत कंजूस है ये महाशय, हमारे साथ क्यों चल रहा है? लड़की को यही पहचानता है, उससे यही मिलवाएगा। चल। अच्छा, ऐसा क्या? हम हॉलिडे पे नहीं, मिशन पे जा रहे हैं। बाप रे, मिशन पे? मैंने पिक्चरों में देखा है, मिशन पे जाते दो लोग हैं, पर आता एक ही है। यही तो मित्रता है। नर्सिंग की बहन उसी कॉलेज में पढ़ती है। कॉलेज बाहर से इतना सुंदर है तो वो अंदर कितनी सुंदर होगी। श्रीमान हट जाओ, नहीं तो कौवे का शीट गिरेगा। नहीं गिरेगा। कौवा शीट के लिए लोग दुआएं मांगते हैं बे, कौवे का बीट लकी होता है। मुंह बंद कर। वो जो आ रही है वही नरसिंह की बहन है। वो उछलते बाल वाली क्या? हाँ। इसका ड्रेसिंग सेंस तो मन भावन है, कमर 26 चेस्ट पावन है। लाल काले भूरे कितने रंगीन बालों की कन्याएं हैं, एक से दो होने का मन कर रहा है। हाय, पास में मंदिर है क्या? शादी है। Hey Debs, this is for you. Huh? Oh. ओ, बदबूदार है। बदबूदार? देख लिया? देखा देखा, ऊपर से नीचे तक देखा, आसपास वाली को भी देखा, फिर भी मन भरा नहीं है। सुनो, भूचाल भाई को पटाना आसान था, इसे नहीं। मैं सीता गीता की कसम खाता हूँ, जब तक इसे पटा नहीं लेता ना अपने हेयर डाई करूंगा ना हेयर कट करूंगा। ये मेरा खुद का खुद से वादा है। ये क्या? गोल्ड कार्ड, कितना भी खर्च कर सकते हो। शक्ल गंदी है पर दिल का बड़ा अच्छा है। अगर काम पूरा नहीं हुआ तो भूचाल भाई डबल वसूल करेंगे। हम गरीबों के पास दो जोड़ी चड्डी की सेवा कुछ नहीं, वसूल क्या करेंगे? जान है ना। अरे यार बॉबी, उल्टी पैदाइश है क्या, उल्टी बातें करता है। मैं ऐसा ही हूँ। तेरी शक्ल पे ही भाई वाला टैग लगा है, तुझसे कोई नहीं पटेगी। अबे तू वो भवरा है जो किसी भी फूल का रस चूसने जाए तो फूल मुरझा जाए। चल निकल यहाँ से। जाने से पहले मैं एक और बात कहना चाहूंगा। जल्दी बोल। जैसे ही उसकी पढ़ाई खत्म होगी वो 15 दिनों में इंडिया वापस आ जाएगी। तुम्हारे पास सिर्फ 15 दिनों का टाइम है, याद रखना। जल्दी निकल वरना प्लेन में खड़े खड़े जाना पड़ेगा। सुबह इसका मुंह देख ले तो बनता काम बिगड़ जाए। अच्छा जर्मन शेफर्ड, तेरी शक्ल उस नस्ल से मिलती है। ए तू खुश तो है ना कि तेरे दोस्त ने इतना अच्छा नामकरण किया? इसे स्वाइप करके उसे वाइफ बनाता हूँ। क्या बात है दिप्स, आज तक साइकोलॉजी में किसी को 95% नहीं मिले होंगे, है ना? ये कैसे मुमकिन है? तुम सब किताबी कीड़े हो और मैं इंसानों को पढ़ती हूँ। बस वो तो है, तुमसे तो बातों में कोई भी नहीं जीत सकता। बिल्कुल। काले चश्मे का एक लाभ है, किधर देख रहे पता ही नहीं चलता। एटीट्यूड में आ जा, थोड़ी नल्ली इंग्लिश बिंग्लिश बोलने की कोशिश कर। सॉरी। बिल में वड़ा पाव भर के मिलेगा? बिल क्या तेरा बाप भरेगा? अरे काट दिया ना उसने। ओह वेरी गुड, तू तेरी वाली चूज कर ले। मिस्टर शेफर्ड, यहाँ $50,000 का बर्गर तो मिलेगा ना? थोड़ा चुरन देना पड़ता है। यही देख रही है। चल नॉन एक्टर, एक्टिंग का टैलेंट दिखा दे। यही तेरा अंतिम निर्णय है? एकदम 100%, ऊपर वाले की कसम। दिल रखने के लिए आई लव यू बोल दो वरना अपने प्राण त्याग देगी। किस किस की जान बचाऊं? अरे नेक काम के लिए झूठ बोल देना। कैसे? उसे देखकर मेरी प्यार वाली घंटी नहीं बजती। मिस कॉल देके तो देख। अरे दिल की कटोरी में उसके नाम की दही तो जमनी चाहिए। मतलब लव से पहले प्यार, फिर बच्चे 4। सॉरी, ये सच्चा आदमी है, तुम्हें नहीं बचा सकता एंड्रिया। इसे कहते असली मार। अरे ओवर एक्टिंग मत कर। विश्वास नहीं होता, पहली बार किसी लड़के ने किसी लड़की का प्यार ठुकरा दिया, क्या बात है। नौटंकी,
ये ना पक्का हमारे सामने एक्टिंग कर रहा है। और तुम जैसी ना समझ लड़कियाँ इनकी बातों पर यकीन करके बहक जाती हो। ये सब ड्रामा है। यही है वो जिसने मुझे धोखा दिया है। तुम्ही चंदू हो क्या? हाँ सिक्योरिटी गार्ड। ये लड़की सुइसाइड करने जा रही थी और ये कह रही है कि तुम इसके पीछे पड़े हो। हम तुमको अरेस्ट करने आए। मतलब वाह, मेरा जुर्म क्या है? ये गोरी मेरे पीछे पड़ी है, मैं इसके आगे नहीं पड़ा हूँ। ये क्राइम है। लव स्टोरी। आई लव हिम, आई रियली लव हिम। मेरी मदद करो। ओह सॉरी मिस्टर चंदू, मुझे कुछ गलत फहमी हो गई थी। आई एम सॉरी। तुम जा सकते हो। अब बोल। सॉरी फॉर द ट्रबल। गुड एक्टिंग। पैसा लेके जाना। सुनिए चंदू प्लीज, आई लव यू, आई रियली लव यू। अरे 5 मिनट प्यार कर ले। क्या 5 मिनट का प्यार कर ले? 5 मिनट में अगर 9 महीने की कस्टडी हो गई तो इसकी फ्रेंड्स भी पीछे पड़ी है। अभी ये पीछे पड़ी है, 3 बजे ये पड़ेगी, 6 बजे ये पड़ेगी और 12 बजे ये दोनों। एक लड़का और उसकी इतनी सारी सहेलियां कैसे चलेगा? जाओ जाओ ले जाओ उसे, अच्छा सा डिस्काउंट ले। बोल अभी काम मिलेगा। मत रो पगली, मत रो, मैं तुझे कम गहरा संबंध दिखाता हूं। जा जा, तू ही शादी कर ले, जा। सॉरी। She's crazy. मैडली मेरे प्यार में गिर गई है। कोई भी लड़की मेरे से प्यार नहीं करना वरना अच्छा नहीं होगा। सबसे कट्टी हूँ मैं। चलो निकलते हैं। कैसी लगी एक्टिंग? ब्यूटीफुल। तुम इंडिया जरूर आना, तुम्हें सीरियल में काम दिलाऊंगा। ये लो ऐश करो। ओके चलता हूँ, बाय बाय। अपने देश में 750 में काम हो जाता, यहाँ 7,500 लग गए। पर काम तो हुआ ना? हो जाएगा। कैसे? मैंने दिल के कैमरे में प्यार की रील डाल दी है, बस डिस्काउंट शूट करना बाकी है। मां कसम आज तो हो जाए दो राम। अरे वो वापस आ गया यार। दीप्ति, मैंने अपने मम्मी पापा से बात कर ली है, उन्हें भी तुम बहुत पसंद हो। मेरे जीवन का फैसला मेरे पापा नहीं, मैं खुद करती हूँ। अरे बेचारा है वो। बेचारा है तो क्या साथ फेरे ले लूं? इसे हाँ कहा तो फिर इसके दोस्त भी पीछे पड़ेंगे। ये तो वही बात है। किसने कही थी? हाँ, कल कैफे में एक इंडियन लड़के ने यही बात कही थी। ऐसा लगता है कि तुम दोनों के विचार बहुत मिलते हैं। बकवास बंद। हाँ? कर। मैं उसे घास डालने वालों में से बिल्कुल नहीं हूँ। वो मेरे चक्कर काटता। बस पीछे वो नारियल का पेड़ है, उसे काट कर गिरा दो। वो कैमरे को डिस्टर्ब कर रहा है। अब मैं पानी पी के आता हूँ। तो चल अभी नचा के दिखा। किसे नचाऊं? हाँ? उस लड़के को। लड़की भाग कर वहाँ से आएगी और टॉमी को हम लड़की के पीछे छोड़ेंगे। इस चूजे को, इस कोई बड़ी बात नहीं है। मेरी चुनौती स्वीकार कर ले। देखती जाओ। बढ़िया, नागिन चाल, सिल्की बाल, गोरी खाल, मॉडल मिल गई। अरे ऐसे लोग फ्रेम में आएंगे तो कैमरा खराब हो जाएगा। अरे इसमें मत घुस, जा पिंकी को हटा। अरे मालिक है, कैमरा देकर उसमें घुसने की आदत छोड़ दो, साइड से भी तो जा सकती हो। ओह हिंदी नहीं आती होगी। नो कैमरा MMS, साइड वॉक SMS। ओके सर। गुड बाय। वेलकम 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 बैक। तो मेरी दी हुई चुनौती तुम हार गई। इस लड़के का ध्यान कोई नहीं भटका सकता, तो चलो लेट्स गो।